चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्पेशल टीम ने क्रिकेट सट्टे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर रेंज के आईजी डॉक्टर बीएल मीणा की ओर से गठित स्पेशल टीम के इंचार्ज रामविलास विश्नोई के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने नया बाजार में स्थित एक खाली मकान में दबिश देकर आईपीएल मैच के सटोरियों के सरगना बद्री मोदी, मोहम्मद बिलाल लिलगर, नारायण अग्रवाल व जुगल किशोर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मुखिया बद्री मोदी से करीब 6 करोड़ रुपए के हिसाब की 21 डायरियां बरामद की गई हैं। वहीं करीब 14,000 रुपए नकदी के साथ दर्जनों मोबाइल, 3 लैपटॉप, टीवी, कैलकुलेटर, माइक और मोबाइल एक्सटेंशन बॉक्स सहित भारी मात्रा में सट्टे के उपयोग में लिए जा रहे उपकरण भी अब जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि सरगना बद्री मोदी इलाके का सबसे बड़ा क्रिकेट सटोरिया बताया जा रहा है और जिसे पुलिस ने 2009 में भी करोड़ों रुपए के हिसाब सहित गिरफ्तार कर लिया था। रेंज बीकानेर, डॉक्टर बी एल मीणा साहब व श्रीमान एस पी साहब राजेंद्र कुमार शर्मा के निर्देश अनुसार आज कस्बा सुजानगढ़ में आईपीएल के चल रहे जुआ सट्टे की कार्रवाई में जो है काफ़ी बड़ी कार्रवाई श्रीमान के स्पेशल टीम व थाना की टीम द्वारा कार्रवाई। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता अजय सोनी फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अजय, बताएं क्या कुछ था पूरा मामला। जी रविदा, ये जो बद्री मोदी है ये क्षेत्र का बहुत बड़ा क्रिकेट बुकी है और इसके तार मुंबई सहित अनेक जगह से जुड़े हुए हैं। पीछे भी ये 2009 में पुलिस ने इसे रेड मार्क के अरेस्ट किया था। उस समय जो 2009 में जो क्रिकेट का जो फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग का जो मामला हुआ था उसमें इसका नाम उभर कर सबसे पहले सामने आया। इसी प्रकार 2014 में आनंदपाल गैंग के से भी इसके तार जुड़ने के मामले सामने आए हैं। नेछवा थाना क्षेत्र में इसे अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें इसके साथ ही जो आनंदपाल गैंग की जो अभी सीकर जेल में बंद है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, वो इसके साथ मिली थी पुलिस को। जी अजय, और क्या कुछ बरामद कर लिया गया है? अभी पुलिस ने 3 लैपटॉप, सैकड़ों मोबाइल, टेलीविजन और बहुत हाई टेक्नोलॉजी के जो उपकरण है वो बरामद किए हैं। इसके साथ ही 6 करोड़ रुपए के हिसाब की डायरियां बरामद की है और पुलिस मामले को खंगालने की कोशिश कर रही है। स्थानीय पुलिस सटोरियों पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए मजबूरन बीकानेर रेंज के आईजी डॉक्टर बीएल मीणा ने एक विशेष टीम बना के ये सारा मामला शनिवार रात को करवाया था। जी अजय, पूछताछ में क्या कुछ और खुलासा हो पाया है? पुलिस अभी जानकारी लेने में जुटी हुई है। पुलिस मामले को तरीके से कड़ी जोर से देख रही है, अभी कुछ विषय सामने नहीं आ पाया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।